सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर हाउस वॉज टू लुक फॉर अ स्कूल. जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हमने इमिजिएटली फाइंड आउट किया कि कौन सा स्कूल हमारे एरिया को अलॉटेड है. दुबई में प्राइवेट स्कूलिंग है, सो वी कुड चूज वॉट एवर स्कूल वी वॉन्टेड. एरिया वगैरह कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता था, बट यहाँ पे वैसे नहीं है. यहाँ पे हर एक एरिया को एक स्कूल अलॉट होता है. तो हमने जब स्कूल को कॉन्टैक्ट किया तो हमारे को बोला था कि CBE को कॉन्टैक्ट कर लेना. तो CBE इज़ बेसिकली कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. सो वी कॉन्टैक्टेड देम. तो उन्होंने हमारे को बोला पहले टू रजिस्टर ऑनलाइन, विच वी डिड. आफ्टर दैट वी वर आस्क्ड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स. ईमेल करने के लिए बोला था उनको. सो हमारा जो लैंडिंग था वो हमने भेजा और इसका पासपोर्ट कॉपी भेजा. हमने ईमेल कर दिया था उनको. आफ्टर दैट दे रिस्पॉन्डेड अस ऑन थर्सडे. वी हैड सेंड आवर डॉक्यूमेंट्स ऑन ट्यूसडे. थर्सडे को हमको उनका ईमेल आ गया कि शी हैज़ टू कम एंड अपियर फॉर अ इंग्लिश टेस्ट. इंग्लिश टेस्ट के लिए उन्होंने हमको मंडे का डेट दे दिया था. सो आज हमारे को वहाँ पर जाना है. एक्चुअली वहाँ पर वो ब्रिटिश स्कूल में थी, सो इंग्लिश वॉज नॉट एन इशू एज सच. हमारे एक जानने वाले थी, एक गल्फ कंट्री से यहाँ पर मूव हुए थे. उनको भी पहले बोला था कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए आने के लिए, बट जस्ट अ डे बिफोर द एंट्रेंस टेस्ट उनको वापस से उनका फ़ोन आ गया कि नो नीड टू कम बिकॉज योर किड्स हैव स्टडीड इन इंटरनेशनल स्कूल. सो आई डोंट नो यहाँ पर सबके लिए कुछ अलग अलग सिस्टम है और दे हैव चेंज द रूल, क्योंकि ये बात 4-5 महीने पहले की थी. सो हमारे को तो बुलाया है, सो वी आर गोइंग टुडे फॉर द एंट्रेंस टेस्ट. सो वी जस्ट गॉट बैक फ्रॉम CBE. 10 मिनट के ड्राइव पर है CBE. डाउनटाउन में है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे यहाँ से. 12:30 का टाइम दिया हुआ था हमें. हम आई थिंक 12:20 को पहुँच गए थे. 15-20 फैमिलीज आई हुई थी ऑलमोस्ट. सो हर एक फैमिली को एक एक टेबल अलॉट किया हुआ था. दे मेड अस सिट एंड देन थोड़ी देर के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आई हमारे टेबल पे. शी सैट विद अस एंड शी एक्सप्लेन कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नहीं. सबसे पहले शी स्टार्टेड विद अ फ्यू क्वेश्चंस. उसने पूछा कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है. ऑब्वियसली इंडियन बताया हमने. फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहे हो. सो वी टोल्ड देम दैट यू नो वी हैव लिव्ड इन UAE फॉर ऑलमोस्ट 24 ईयर्स. पूछा कि अच्छा ये इसकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई है. सो वी टोल्ड हर कि इंटरनेशनल स्कूल से हुई है, ब्रिटिश करिकुलम से. सो शी वॉज बॉर्न देयर. पूछा कहाँ, वहीं पर पैदा हुई है. उसके बाद फिर उसने पूछा कि अगर उसके इंटरनेशनल इससे स्कूलिंग हुई है तो आई डोंट थिंक कि इसके लिए ये टेस्ट कोई ज़्यादा मुश्किल होगा. सो उसने बोला कि ये टेस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें. सो वो उसको लेकर गई. उसने बोला हमको 20 मिनट्स लगेंगे. और आई थिंक उसने फुटबॉल से रिलेटेड कोई पिक्चर दिखाया उसको एंड देन शी केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस अराउंड द पिक्चर एंड 10 मिनट्स में ही वापस आ गई. देन शी अगेन सैट विद अस. देन शी एक्सप्लेन टू अस कि शी डिड वेरी वेल एंड शी स्पोक लाइक अ नेटिव कैनेडियन. सुशी मार्क्ड हर फॉर लेवल 5 जो कि हाईएस्ट लेवल था. एंड साथ साथ उसने ये भी बताया कि फॉर द एज यहाँ पर एडमिशन्स होती है एंड शी विल बी पुट इन ईयर 5 के जो लास्ट 2 महीने बचे हैं एंड नॉट इन ईयर 6 क्योंकि समायरा ने ईयर 6 दुबई से ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था. लास्ट टर्म खाली बचा था बट नाउ इसको थोड़ा सा यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा. बट शी सेड दैट यू नो यू कैन स्पीक टू द प्रिंसिपल एंड इफ द प्रिंसिपल इज़ ओके मे बी देन यू नो वो उसको एक साल आगे पुश कर सकते हैं. बट इट इज़ कम्प्लीटली प्रिंसिपल्स डिसीजन, इट इज़ नॉट एन आर. सो उसके बाद उसने बताया कि शी विल बी सेंडिंग दीज पेपर्स टू द स्कूल और स्कूल से हमें फ़ोन आएगा बाय थर्सडे. इन द स्कूल डजंट अस, हमें खुद स्कूल को फ़ोन करना है बट वी हैव टू वेट टिल थर्सडे. सो काफ़ी लॉन्ग वेट टाइम वो बेसिकली. अब हमें ये पूरा हफ्ता भी आई थिंक सवायरा विल हैव टू सिट होम. अगर स्कूल से जल्दी फ़ोन आ गया तो ठीक है. स्कूल टाइमिंग्स है अराउंड 8 to 2:40 है. वी ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट विद द स्कूल फॉर बस ट्रांसपोर्ट. ये सारे प्रोसीजर के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए जबकि उन्होंने बोला था कि इट माइट टेक अप टू 3 आवर्स बट 2 घंटे में हमारा काम हो गया. एंड देन नाउ वी आर वेटिंग कब स्कूल शुरू हो जाता है. सो इट वॉज बेसिकली वेरी सिंपल प्रोसेस बट थोड़ा सा वेट टाइम मुझे लग रहा है ज़रा लॉन्ग है. समायरा भी बोर हो गई है घर बैठ के बिकॉज ऑलरेडी आके 15 दिन हो गए. अगर ये हफ्ता भी चला जाता है तो ये एक और चला जाएगा. बट इट वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज स्मूथ. सो दैट वॉज इट. एंड बस ये व्लॉग इसी के लिए बनाया था अबाउट द स्कूल एडमिशन प्रोसेस. सो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग.